अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद अंसारी। अपने शो इफ्तार में क्या है, आज इफ्तार में भी बहुत अच्छी चीज़ें और कुछ और भी चीज़ें जो मैं बाद में आपको सरप्राइज़ दूंगी। सबसे पहले खाना पकाने से पहले, खाना पकाने के बाद आपने अपने हाथ धोने हैं अगर आपको सेहतमंद रहना है, और इसको तकरीबन आपने 20 सेकंड तक धोने हैं। प्लीज़ अच्छी तरह फिंगर्स इन बिटवीन लाइफ बॉय सोप से आपने अपने हाथों को धोने हैं, और बच्चों को भी यही गाइड करना है। सफाई निस्फ ईमान है, और साफ सुथरे रहेंगे तो बहुत सी बीमारियों बहुत सी चीज़ों से आप पाक साफ रहेंगे। आज हम बना रहे हैं वाइट कढ़ाई। सबसे पहले हम डालडा कुकिंग ऑयल लेते हैं, जो बेहतरीन ऑयल और घी है और बैड कोलेस्ट्रॉल से पाक है, फुल ऑफ विटामिंस। खा के आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तकरीबन 1/4 कप आपने ऑयल लेना है। गोश्त ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। अच्छा, वाइट कढ़ाई का मतलब आप सबको ही पता होगा, वाइट कढ़ाई में लाल मिर्चें नहीं डलती, इसमें टमाटर नहीं डलते। अगर कभी डलते हैं, कभी होता है तो आप हरे टमाटर डालते हैं, मगर वो मैंने टमाटर हम नहीं डाल रहे। यहाँ मैंने दही लिया और दही में हरी मिर्चें, और इसमें आपने बादाम डालने, एनर्जी की ज़रूरत है, रमज़ान है, रोज़ा है, तो ये मैंने इसमें मिक्स कर लिया। ये मैंने ली प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाना शुरू करें, अल्लाह का नाम लेंगे तो वैसे ही बहुत सी बीमारियों से हम दूर हो जाते हैं। और इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक। अच्छा, हमने कलौंजी भी इसमें डाल दी थी जब हम गोश्त उबाल रहे थे, तो दुरूद शरीफ पढ़ के आप कलौंजी ज़रूर डालें। और मैं हमेशा आपसे एक बात बताती हूँ कि जब भी आप फ्राई करें प्याज, हरी मिर्चें ज़रूर डालें। वो जो शुरू में हरी मिर्चें डलती है ना, वो एक टेस्ट उसमें इन्हांस हो जाता है। ये आपने इसमें हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा फ्राई होने दें। प्याज को ब्राउन नहीं करना, मैं किसी खाने में प्याज ब्राउन नहीं करती, किसी भी खाने में, सिवाय कोरमे वगैरह के। यस, वो तली हुई प्याज डलती है। ये मैंने इसमें डाला। अब मैं डाल दूंगी गोश्त जो हमने उबाला था। मुर्गी है तो आप कच्ची डाल दें, ये तो गोश्त था इसलिए हमने उबाला है। गोश्त को आपने फ्राई करना है। ये देखें, ये जो ब्राउन होगा ना, ये थोड़ा सा लगेगा नीचे, तब उसका टेस्ट आएगा। ये आपने इसमें डाला, और इसमें मैं डाल रही हूँ दोबारा ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ, और चटपटा ज़रा अच्छा लगता है ये। अच्छा, इतने में ये डाल रही हूँ, मैं कम से कम दूध को गर्म कर लेती हूँ। और आज हमारा डिज़र्ट है रफ़ान के साथ, तो हम सिर्फ दूध गर्म करते हैं। पैकेट पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, 2 से 2.5 कप आपने मिल्क लेना है। ये हमारा, जैसी हरी मिर्च गोश्त लहसुन फ्राई होता ना, एक बड़ी अच्छी पिक्यूलर सी स्मेल आ जाती है, एरोमा आ जाता है। और ये देखें, ब्राउन होना शुरू हो गया गोश्त। अब मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा 1 चम्मच। आप स्पून से डाल सकते हैं, मैं जान करके डाल रही थी, क्योंकि रमज़ान शरीफ में कहते हैं जब आप अपने हाथों से डालते हैं ना, इसीलिए कहा गया है, खाने के बाद उंगलियों को चाटते खाना हज़म हो जाता है। तो अल्लाह के हर काम में हमारे लिए फ़ायदे हैं, इन चीज़ों को फॉलो करें। यह है सफ़ेद मिर्च। नहीं है सफ़ेद मिर्च, कोई बात नहीं, आप काली मिर्च डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, हरी मिर्चें मैंने डाली थी, बादाम मैंने इसमें पीसे हुए डाले थे, अब मैं इसमें डाली हूँ दही। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप इसमें खशखाश 2 चम्मच डाल सकते हैं। इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमें स्पेशल गेस्ट को भी बुलाना है। ये मैं बंद करती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं रफ़ान के साथ न्यूटेला डिज़र्ट है। ये दूध गर्म हो गया, मैं ज़रा जल्दी से ये मिलाऊँ। ये हमने अच्छी तरह से, ये हमने लिया है रफ़ान का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये आपने लिया इसको, क्योंकि ये न्यूटेला के साथ, चॉकलेट के साथ पिंक बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने मिक्स किया और ये मैंने डाल दिया दूध के अंदर, और क्योंकि ज़रा
क्विक बनता है, नहीं तो ये फौरन जमना शुरू हो जाएगा, नहीं तो फिर बड़ा मसला होगा। ये हम डालते हैं इसमें चीनी, ये हो गई तैयार। ये हमारा थिक हो गया, चीनी भी डाल दी। मैं 2 मिनट के लिए चूल्हा बंद करती हूँ। और जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं फूड पैंडा से, जिनको हमने इनवाइट किया है, और एक स्पेशल प्रोग्राम है जो होम शेफ्स के लिए है, जिसमें आपका भी फ़ायदा है, तो मैं उनसे कुछ सवालात भी करूँगी, आपको भी फ़ायदा होगा। हम इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक है, बताइए। आप यहाँ आ जाएं, मैं यहाँ आ जाती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा बिनते फातिमा, आपकी कैटेगरी है, आप हेड होम शेफ फूड पैंडा हैं। जी जी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ थी जो आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराई है, मतलब होम शेफ क्या है? जी, सो बेसिकली फूड पैंडा का तो जैसे सबको पता है पाकिस्तान का सबसे नंबर वन फूड डिलीवरी ऐप है, और इस पर हर रेस्टोरेंट का खाना अवेलेबल है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान जैसी जगह में जहाँ इतना टैलेंट है, हम घर का खाना भी अब इस पर अवेलेबल करें। तो बेसिकली होम शेफ उन में अब आप घर का खाना जो है वो भी आके प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है? जी जी जी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मर्द, औरत, हर तरह के एज ग्रुप, जिसको भी खाना पकाने का शौक है, पैशन है, और वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो सब हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं शुरू करना जी, चाहूं, जी, 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 तो मैं किस तरह इसको शुरू करूं? So, हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। उसमें ये कि हमारा वेबसाइट है www.restaurant.foodpanda.pk। वहाँ पे आके जो भी इंटरेस्टेड है वो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दें, फिर हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको कॉल करके तमाम इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो क्राइटेरिया है वो तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ खाना पकाना आना चाहिए, आपके पास एक फोन होना चाहिए। हर औरत को खाना पकाना तो आता है? एग्जैक्टली, घर पे तो खाना रोज बनते हैं। हम कहते भी यही कि देखें आपके घर में रोज खाना बनी रहे तो आप उसको फूड पैंडा पे सेल कर सकते हैं। और अभी इससे ज्यादा इन आजकल के हालात में इससे ज्यादा अच्छा मेरे हाथ से और कोई और इजी तरीका मतलब नहीं। ये आप फुल मंथ के लिए कर सकते हैं या एक दो दिन के लिए, या आप कंटिन्यूस ऑन बोर्ड आपके साथ ऑन, मतलब आप कोई पेमेंट देनी पड़ेगी आपको या क्या? अच्छा हाँ, नहीं तो हमारे पास जो है बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया है। हम लोग एक मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस लेते थे, लेकिन अभी राइट नाउ एज कोविड रिलीफ हमने उसको भी वेव ऑफ कर दिया हुआ है। सो फिलहाल जो है हमारी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है टू कम ऑन प्लेटफॉर्म। सो बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया कि बस आपने अपना मेन्यू सेट करना है, प्राइसेस सेट करनी है, उसमें हम या तो आप खुद कर लें या हम आपको गाइड कर देंगे तमाम इन्फॉर्मेशन से। और फिर क्या होता है कि रजिस्टर हो जाते हैं जब हमारे ऐप पे, तो उसमें एक तरह से समझे आपका एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट सा बन जाता है घर बैठे बैठे। आपका जो रिस्पॉन्स है क्या है अभी तक, रिस्पॉन्स जो है आपके? तो मैं आपको बताती हूँ, रिस्पॉन्स तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। मैं आपको बताती हूँ उसके पीछे पूरा विजन क्या था। हमने ये स्टार्ट ही इसलिए किया था बिकॉज रेस्टोरेंट का खाना तो मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा डिलीवरी ऐप नहीं था फूड का जो आपको घर का खाना विदिन 30 मिनट्स डिलीवर करें। क्योंकि क्या होता है, होम शेफ्स तो बहुत हैं, वो खाने का बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन उनको प्री ऑर्डर करना होता है, उनसे बात करनी होती है, वो आपको भी कहते हैं 2 दिन बाद हम देंगे। फूड पैंडा आपको विदिन 30 मिनट्स फ्रेश होममेड फूड डिलीवर करता है, जो कि अभी पाकिस्तान में कोई डिलीवरी ऐप नहीं करा। नहीं, मगर जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एक लेडी है जी, वो जैसे अभी तो हम घर में हैं, फाइन यू कैन डू इट, जी जी, मगर अगर एक औरत है, अब वो क्या, अगर उस आपने ऑर्डर उसको देना है, जी जी जी, अगर वो बाहर है और आप कहेंगी 1 घंटे में खाना देना है? नहीं नहीं, हमारे ऐसे, तो हमारे जब आप ऐप खोलती हैं तो उस पर वही रेस्टोरेंट नजर आएंगे जो उस वक्त ऑनलाइन होते हैं। तो इसी तरह से होम शेफ को हम जब ऐप देते हैं, हम बोलते हैं इस वक्त आप ऑनलाइन, आप अपना उसी वक्त ऑनलाइन करें जब आप घर पे हो और अवेलेबल हो टू टेक ऑर्डर्स। अगर आपको इत्तेफाक से फॉर एग्जांपल ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने आपके टाइमिंग्स थे 4 to 10 के, मैं अपना इतने बजे ऑनलाइन रहूंगी, इत्तेफाक से आपके घर कोई मेहमान आ गया एकदम से, अब आपने उसको 2 घंटे के लिए ऑफ कर दिया, ऑफ हो गए, आपको उस वक्त ऑर्डर्स नहीं, अच्छा ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो वही मैं कह रही हूँ, बहुत ही आपके जैसे कहते हैं स्केड्यूल के हिसाब से आप अपना ऑनलाइन इसमें बिजनेस चला सकते हैं, तो बहुत ही कन्वीनियंट है। आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्या एवरीबॉडी विल वांट टू डू दिस? Everybody already wants to do it. हमने हालांकि इतनी ना कोई अभी मार्केटिंग की ना कुछ, बट ऑलरेडी वी हैव मोर देन 1000 होम शेफ्स ऑन बोर्ड। हमारा ये है कि हमारे एक तो ये है कि ठीक है हमने लोगों को चॉइस देनी है, बट एज अ कंपनी हमारा जो विजन है ना वो 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा था, विच इज़ वेरी क्लोज टू आर हार्ट्स। एक था वुमेन एम्पावरमेंट ऑब्वियसली, एंड दूसरा था जॉब क्रिएशन, बिकॉज लाइक आई सेड कि सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये मर्दों के लिए भी, बल्कि हमारे बहुत सारे जो होम शेफ्स हैं वो मर्द, वो बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। सो हमारा ये था कि जॉब क्रिएशन, और अब देखें जो आजकल हालात हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, बिजनेसेस बंद हुए हुए, आई थिंक ये तो अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि कोई घबराए नहीं, परेशानी हो रही, लोग बहुत वरेड हैं कि आगे क्या होगा, से अभी तो कर सकते हैं। जी जी, ये जी, बहुत जी, अच्छा आप लोगों का आइडिया है जी, जी, और आई विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू। थैंक यू, आप भी बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, आपका खाना देखे, लोग टीवी पे देखते हैं लेकिन खाने को उनको मौका नहीं मिलता, इंशाल्लाह जरूर। पता है ये चीज ऐसी है जो हर एक को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड पैंडा। Thank you so very much, beta. Thank you.
ये थी बिनते फातिमा फूड पैंडा से, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली। अब हम आ गए अपनी कढ़ाई की तरफ और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ लेमन जूस और इसी के साथ मैं इसके अंदर क्रीम डालूंगी, ज़रा सा अच्छा सा टेस्ट आए। और ये हमारी वाइट कढ़ाई जो है ये तैयार हो चुकी है, वह हमारा मीठा तैयार है। इसको मैं अब डिश आउट करती हूँ, चूल्हा बंद। अगर आपको इसमें थोड़ा सा शोरबा तो नहीं, थोड़ा सा मसाला चाहिए, ये बड़ी ड्राई कढ़ाई है, तो आप जो दूध में बादाम मैंने रखे थे या दही, वो आप थोड़ा सा डाल के दम पे रख दें तो आपको थोड़ा सा मसाला, ये ज़रा सी ड्राई, और रमज़ान में ज़रा ड्राई चीज़ें ही खाई जाती हैं। ये हो गई हमारी वाइट कढ़ाई और इस पे आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया साइडों में डाल दें और ये कढ़ाई हो गई। और इसके साथ पैगाम है करशी जामे शीरी का कि पाकिस्तान का नंबर वन ड्रिंक है, खालिस अज्जा से बनता है और तकरीबन 10 में से 6 लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिशेस, आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर अपनी इफ्तार टेबल के साथ मैं हाज़िर हूँ, मगर उससे पहले आप सबको पता है कि हमने अपने हाथों को 20 सेकंड्स के लिए, ये WHO और डिटॉल का भी पैगाम है कि डिटॉल एंटी बैक्टीरियल सोप से आपने तकरीबन 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को धोना है बहुत अच्छी तरह। और जब हाथ धो लें तो फिर हम चलेंगे अपनी इफ्तार टेबल की तरफ। जियो एहसास रमज़ान की इस खसूसी ट्रांसमिशन को सजाने में हमारे साथ तावुन किया है लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल, कनोर, ब्लू बैंड, जैस, पेप्सी, सेवन अप, कॉल्सन्स, ऑल्पर्स, केन एंड चिकन, डिटॉल, करशी जामे शीरी और डालडने। तो ये रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।